साफ सुथरा नहीं लग रहा, तो इसने नए कपड़े भी पहने हैं। तो भाई नए कपड़े पहनने की वजह ये, मैंने जैसे कि बताया था हमारे भाई अवैस की शादी है, तो मेहंदी में हम लोग यार ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि बस थोड़ा मसले मसाए थे, इसकी वजह से हम मेहंदी में नहीं बना पाए। आज बारात है उसकी, तो हम लोग चलते हैं एक करके सबके पास। तो हम लोग बेसिकली जो हमने पहुँचना है दानिश के पास पहुँचना है, दानिश के पास से हम लोग निकलेंगे, पहले हम जैन को लेते हैं, जैन के पास हम मामी के पास जाते हैं, फिर हम लोग चलते हैं दानिश के पास। तो भाई जुड़े रहना। तो भाई मैं आ गया हूँ तफजुल के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जैन भाई के पास भी हम आ गए। और दानिश भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत बिल्कुल सेट है। और माओ भाई कैसे हैं आप? मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम। उससे पहले आ जाऊंगा मैं। और अली भाई अस्सलाम वालेकुम। बचे माविया भाई, क्या हाल है भाई? माविया कैसा है? मजे में। अब कितनी देर में निकलना है साहब? ये बस असल भाई तलब भाई का वीडियो है, जिससे ही बस चलो सही है भाई। माओ माओ तो फुल रेडी, माओ दूल्हा तो माओ लग रहा है मेरे को। वेरी डेंजरस। माँ खेलना। तो भाई तला भी आ गया। तला कैसा है भाई? मजे में फुल सेट। या है असद के साथ क्या? तीसरे में तुम, चौथे में तुम। नहीं होनी है यार, ये अरबी में बात करता है ये। A few moments later. अरे तफजुल, और यार ये मेरे को ऐसा लग रहा है अपने वाले चले गए। अपने वाले कहाँ? अपने वाले नहीं गए ना, अपने वाले नहीं गए अभी। अपना गली में है ना? बस सही हो गया। जैन कैसी रही ड्राइव? मजेदार मजेदार। हाँ तो तफजुल भाई बड़े प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह से, मुंह धो लेते तो क्या ही बात थी। तो कोई नई गल दस दे भाई। बंद कर देना, तेरे को बोल रहा हूँ। यार मोहसिन मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार इतना प्यारा लग रहा है, मुंह धो लेता तो क्या ही बात थी। खतरा नहीं, मुंह नहीं नहा लेता। हमारे मोहसिन भाई लग रहे हैं साले। देखे साले पैसे नहीं दे रहे भाई, पैसे दे दे यार। तो दूल्हा भी आ गया है। और अवेश भाई, अनंत भाई मैं आपसे मिला नहीं, कैसे हैं आप? मजे में। अवेश भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हील लेके आया हूँ मैं इसको। दूल्हा दूल्हा ही माहौल लग रहा है। अक्सर इसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं, जो दौरे आप इसको इस टाइम पड़ते हुए देख रहे हो, तो इसका सिर्फ एक ही हल होता है कि किसी आसपास आपके कोई गंदी चीज़ पड़ी हुई हो तो वो चीज़ आप इस बंदे को सुंघा दो। उससे ये होता है कि आपकी भी जान को ख़तरा होता है और सामने वाले की जान को भी ख़तरा होता है। अगर आप वो चीज़ इसको सुंघा देते हो तो उससे आपकी भी भलाई है, सामने वाले की भी भलाई है। अब इसके आजू बाजू में ये दो बंदे बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता है कभी इन पर जानलेवा हमला कर दे।
ये इसको खुश करने के लिए सिर्फ हंसते रहते हैं ताकि इसका दिल बहलता जाए। इसका दिल बहलता है तो हमें भी खुशी होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अफ्रीकी जंगलों में पाई जाती हैं, ये बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में मिलती हैं। भाई व्लॉग कैसा लगा लाइक और कमेंट करके लाजमी बताना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखो।